दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत के चाइनामैन कुलदीप यादव ने आज बांग्लादेशी टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। कैसे कुलदीप ने सिराज उमेश के बाद अकेले अपने दम पर आधी बांग्लादेशी टीम को खदेड़ कर रख दिया। कुलदीप के साथ साथ आप सभी को सिराज, अश्विन से लेकर उमेश की सभी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, रोहित कोहली और बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये टेस्ट मैच अपने पांचवें दिन तो छोड़िए चौथे दिन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दूसरे दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों ने आज बांग्लादेशी टीम का वो हश्र कर दिया है जो उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें दोस्तों के पहली पारी में भारत की तरफ से चमके चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर ने 80 से ज्यादा रनों की पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद अश्विन का 50, कुलदीप के 40 रन भी देखने को मिले, जिसके दम पर दोस्तों हमारा देश 404 तक पहुंच गया। अब पहली पारी में 404 बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद। खैर दोस्तों मैच आगे बढ़ता है और भारत की गेंदबाजी आ जाती है। अब गेंदबाजी की शुरुआत इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत थी कि पहले ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने खिलाड़ी शेंटो को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को एक तगड़ा झटका दे डाला था। इसके बाद दोस्तों उमेश यादव ने भी सिराज को कंपनी दी। यासिर अली का विकेट लेकर दोस्तों उमेश ने दूसरा बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया था। इसके बाद दोस्तों सिराज एक्सप्रेस केवल वहीं तक नहीं रुकी। आपको बता दें कि लिटन दास को भी क्लीन बोल्ड करने वाले खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि सिराज ही बने। इस सेट बल्लेबाज को आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस अपनी चरम सीमा पर था। आगे चलकर दोस्तों जाकिर हसन को भी फिर सिराज ने ही आउट किया। ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों सेट बल्लेबाज थे और अब पूरा मैदान साफ हो चुका था, और इसी मैदान को लूटने के लिए मैदान में कुलदीप यादव ने ऐसी धासु गेंदबाजी कराई है कि हर कोई चाहेगा कि इस खिलाड़ी को तो वनडे व T20 टीम में भी खिला लेना चाहिए। दोस्तों धोनी के चले कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी और गेंदबाजी की क्लास दिखाते हुए एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार चार बड़े विकेट अपने नाम किए। और दोस्तों यदि अगर आप सोच रहे हैं कि कुलदीप यादव ने कोई ऐसे वैसे विकेट्स लिए तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अपनी इस विकेट लेने की फ्लीट में सबसे पहला खिलाड़ी शामिल किया शाकिब अल हसन। 25 गेंदे खेलकर शाकिब भाई साहब मात्र 3 रन ही बना पाए थे। प्रेशर उनके सर पर चढ़कर नाच रहा था और इसी प्रेशर का फायदा उठा लिया दोस्तों कुलदीप यादव ने। दोस्तों चाइनामैन ने इस ओवर में खास गेंद का इस्तेमाल किया। शाकिब अल हसन को फांसने के लिए उन्होंने एक धीमी गति की गेंद डाली जिस पर शाकिब अल हसन का ब्रेन फेड सबके सामने दिखा। गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा चली गई दोस्तों विराट कोहली के हाथ में। मात्र 3 रन पर दोस्तों कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन का विकेट हमें दिला दिया था और यहीं से शुरू हुआ बांग्लादेश की टीम का सबसे बड़ा डाउनफॉल। दोस्तों अगला विकेट भी कुलदीप यादव ने हमें दिलाया। पारी के 32वें ओवर की बात है, नूरुल हसन 16 रन बना चुके थे लेकिन अपनी फिरकी गेंदबाजी के जाल में इस खिलाड़ी को फांसते हुए उन्हें लेग साइड पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया गया कुलदीप द्वारा, जहां पर शुभमन गिल ने आसान से कैच पकड़ा और इस खिलाड़ी का 16 रन पर हमें विकेट मिल गया। लेकिन असली चमत्कार कुलदीप यादव के हाथों से हमें पारी के 35वें ओवर में देखने को मिला, जब दोस्तों कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में एक नहीं बल्कि बैक टू बैक हमें 2 विकेट दिलाए, वो भी 2 गेंदों के अंदर। 58 गेंदों में 228 रन जड़कर मुशफिकुर पूरी तरीके से सेट थे। कभी पारी के इस 35वें ओवर की चौथी गेंद सीधा मुशफिकुर के पैड के बीच में जाकर लगती है। अब दोस्तों मैदानी अंपायर भारी अपील के बाद उंगली खड़ी कर देते हैं, लेकिन मुशफिकुर चैलेंज करते हैं सबको, डीआरएस लेते हैं, परंतु फ्लॉप साबित होते हैं क्योंकि तीनों डॉट रेड होते हैं जिसके चलते उन्हें भी आउट दिया जाता है। सेट खिलाड़ी को आउट करने के बाद अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव एक और बड़ा विकेट भारत की थाली में परोस देते हैं। ताइजुल इस्लाम को 222 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर कुलदीप यादव अपना 4वां व दिन का बड़ा विकेट अपने नाम कर लेते हैं, जिसके चलते बांग्लादेशी टीम बैसाखी पर लंगड़ाते हुए चलती है। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से आज कुलदीप यादव के चमत्कार के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को न सिर्फ वक्त पर विकेट मिले बल्कि बांग्लादेशी टीम धूल चाटती भी नजर आई। लेकिन दोस्तों इस दिन के असली हीरो कुलदीप यादव ही रहे, जिन्होंने न सिर्फ 40 रन की पारी खेली बल्कि 4 बड़े विकेट भी ले गए। और दोस्तों इसी के साथ साथ कुलदीप ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। आज तक भारत की तरफ से कोई ऐसा स्पिनर गेंदबाज नहीं हुआ जिसने एक ही दिन में एक पारी के अंदर 40 रन भी लगा दिए हों और 4 बड़े विकेट अपने देश के लिए जुटा लिए। ये सिर्फ कुलदीप यादव के नाम है और रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों कुलदीप की खास तौर पर गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।